वेलकम बैक। आपको 15 लोगों के बीच अगर किसी से बहस करनी पड़े और सवाल ये हो कि आप 15 मिनट बहस करने के बाद अगर गलत साबित हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलो आप साबित नहीं हुए, लेकिन आपको बीच बहस में अंदाजा हो कि आप जो बकैती कर रहे थे वो फैक्चुअली किसी भी कानून की अदालत में खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आपको बुरा लगेगा ना। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बहस उसी चीज़ पर करना जिसके बारे में आपको जानकारी हो, और जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। ABG शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे। ABG शिपयार्ड के बारे में आप लोगों ने इंटरनेट पर, फेसबुक पर नेताओं के मुंह से सुना होगा कि गुजरातियों को लोन दे दिया, गुजराती भाग गए फ्रॉड करके देश का जनता का पैसा। देखो पैसा तो गया है, और कानूनन उसका डेफिनेशन भी ये है कि ये फ्रॉड है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा आपको बताया जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ना वाइट और ब्लैक में नहीं होती, 50 shades of grey। मैं हमेशा कहता हूँ वाइट और ब्लैक के बीच में हमेशा 50 shades of grey भी होता है। समझ लो बहस करने में आसानी होगी। ABG शिपयार्ड क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, ABG शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का काम करती है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री क्या होती है? दुनिया में जितना भी सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है उनमें सबसे ज़्यादा सामान, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पानी के जहाज़ की होती है। हवा के जहाज़ से आप इतना सामान एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं पहुँचा सकते, पानी के जहाज़ से बहुत ज़्यादा सामान एक निश्चित समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है एक बारी में। और ये ऐसा रास्ता है जो कई हज़ार सालों से चल रहा है, कई सैकड़ों सालों से कम चल ही रहा है। यानी यहाँ तक कि अमेरिका और भारत जब खोजा गया था तो वो लोग भी पानी के रास्ते, नाव के रास्ते आए थे। ये सारे जो चैनल्स हैं ये सब नाव के रास्ते तय हुए। मसाला भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सारी चीज़ें थी वो पानी के जहाज़ों से ही हो रही थी। अब सोच के देखिए 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो जहाज़ बने होंगे, 100-125 साल के बाद उन्होंने अपनी जब पूरी एज कर ली होगी, क्योंकि तो उस जहाज़ के मालिक ने क्या किया होगा? जहाज़ के मालिक ने उस जहाज़ को बेच दिया होगा। जहाज़ के मालिक ने पूरा मुनाफा कमाया 100 साल 150 साल, उसके बाद उसको बेच कर भी प्रॉफिट कमा लिया। जहाज़ खरीदने वाले ने क्यों ख़रीदा? क्योंकि उसके अंदर लोहा था, उसके अंदर ऐसे कीमती मेटल्स थे जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड थी, और वो बहुत कौड़ियों के भाव मिल रहा था। आपने अगर टाइटेनिक फिल्म देखी है तो आप समझ सकते हैं कि जहाज़ कितने लग्जरी हो सकते हैं अंदर से। बेड, सोफ़ा, टेबल्स, लग्जरी हर सामान जहाज़ के अंदर होता है, और वो कौड़ियों के भाव बेचा जाता है। जहाज़ खरीदने वाले जहाज़ के अंदर चढ़ के जहाज़ का मुआयना करके उसकी बोली लगाते हैं ताकि वो उसे प्रॉफिट कमा सके। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आम आदमी इस इंडस्ट्री को नहीं समझता क्योंकि हमें सड़क पर जहाज़ चलते हुए नहीं दिखते। तो अगर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की कंपनी ने 22,000 करोड़ का घोटाला किया है, AAA भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, AKA ऑल्सो नोन एज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत लग्जरी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ABG शिपयार्ड ने लोन लिया, कंसोर्टियम लोन लिया, लगभग 23 से 28 बैंकों से लोन लिया। इन बैंकों ने लोन दिया उस काम के लिए जो इसकी बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पर आप समझिएगा बेसिकली फ्रॉड क्या हुआ। आपका एक शोरूम है कपड़े का, आप बैंक के पास जाते हैं कि मुझे एक और कपड़े का शोरूम खरीदना है। बैंक देखेगा आपकी कैपेसिटी, रीपेइंग कैपेसिटी, और उसके बाद देखेगा कि आप आदमी अच्छे हो और मुद्रा योजना का ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, तो आपको लोन दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि बैंक ने आपको अच्छा आदमी समझ के लोन दिया, बदले में आपने 50 लाख रुपए लेने के बाद कपड़े का शोरूम ना खोलकर अपनी वाइफ के नाम पर ज़मीन खरीद ली। आपने पैसे का सदुपयोग किया, बैंक ने पैसा दिया व्यापार करने के लिए, आपने व्यापार नहीं किया, आपने उसको पर्सनल असेट्स क्रिएट करने में यूज़ कर लिया। ये हुआ है फ्रॉड ABG शिपयार्ड के केस में। अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में, लेमैन टर्म्स में बताऊं, जिस काम के लिए लोन दिया गया था वो काम ना हो करके पर्सनल असेट्स बना लिए, डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया, ब्रीच ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, वो फ्रॉड आज ABC शिपयार्ड के फ्रॉड के सामने है। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम ये होता है कि बहुत सारे बैंक मिलके एक कंपनी को लोन देते हैं कॉमन चीज़ के लिए, पेपर वगैरह सेम होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सेम होती है, उसको कंसोर्टियम कहते हैं। तो जब 22,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000, 11,000 करोड़ के लोन होते हैं तो ये एक बैंक नहीं देता, क्योंकि एक तो रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं और दूसरा एक पर्टिकुलर बैंक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अपनी बैलेंस शीट के पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पैसा दे भी नहीं सकता। तो अगर 22,000 करोड़ के ये फ्रॉड कंसोर्टियम में हुए तो ये कंसोर्टियम में ही हो सकता था, सिंगल बैंक का फ्रॉड इतना बड़ा बस का नहीं है। मैंने आपको फ्रॉड बता दिया, अब जनता को क्या बताया जा रहा है? जनता को बताया जा रहा है कि गुजरातियों को आम जनता का पैसा लेकर दे दिया गया है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, बस टाइमलाइन बता रहा हूँ। ABG शिपयार्ड 1985 में बनती है, 2013 में लोन टेक्निकली NPA हो जाता है। NPA मुझे थोड़ी बहुत समझ है, NPA मीन्स अगर आप 90 दिन तक अपना लोन नहीं चुकाते हैं, जो भी आपकी किस्त है लगातार 90 दिन तक एक किस्त या तीन किस्तें नहीं चुकाते तो अकाउंट NPA हो जाता है, ख़राब हो जाता है लोन। जब अकाउंट 2013 में ख़राब हो गया था तो 22,000 करोड़ के लोन को आसानी से गिरने नहीं दिया जा सकता, तो बैंकों ने मिलकर निर्णय लिया क्या किया जाए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उस समय की सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से CDR कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, जो 2016 तक चलता रहा किसी तरह खींच खींच के। 2016 में फाइनली इसको NPA डिक्लेयर कर दिया गया बैक डेट्स। 2016 में NPA होने के बाद अर्नस्ट एंड यंग ने इसका असेसमेंट किया और बताया कि ये पैसा जिस चीज़ के लिए लिया गया था, जिस लाइन ऑफ एक्टिविटी के लिए लिया गया था, वो ना करके डाइवर्जेंस ऑफ फंड हुआ है। इसके लिए आप इसे फ्रॉड डिक्लेयर करके आप उन मालिकों को अरेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ केस चलाइए। अब इसके अंदर गलत किसको ठहराया जाए? क्या उन सरकारों को जिन्होंने 2013 में रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ करके 2016 तक ये लोन चलने दिया? क्या उन सरकारों को जिन्होंने 2016 के बाद इसको वापस से रिस्ट्रक्चर करके किसी तरह नौकरियां बचाए रखने या कंपनी बचाए रखने का प्रयास नहीं किया? ये फैसला आपको करना है। आप लड़ाई कीजिए, सरकारों को जज कीजिए, गाली दीजिए, गुजरातियों को गाली दीजिए, गुजरातियों को गाली मत दीजिए, बैंकों को गाली दीजिए, बैंकों को गाली मत दीजिए, फैसला पूरी तरह से आपका है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर किसी की नीयत ही खराब हो तो पॉलिटिकल कनेवेंस के साथ किसी सरकारी अधिकारी से लोन लेना या प्राइवेट अधिकारी से भी, चंदा कोचर जैसे, पर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं चंदा कोचर की बात कर रहा हूँ। चंदा कोचर जेल में चले गए, वीडियोकॉन का केस प्रॉब्लम कर गया, ABG शिपयार्ड का इशू हो गया, ICICI बैंक का 7,000 करोड़ है। तो आप गाली मत दीजिए, आप ये समझिए जो पावर है, जो पोजिशन है पावर वाली, वो लोग आम आदमी को क्या समझ कर रगड़ रहे हैं देश को। अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के होते तो क्या वो बड़े लोगों को सपोर्ट नहीं करते? क्या इससे पहले किसी सरकार ने बड़े सपोर्ट नहीं हुए? क्या आने वाली सरकारों में आपको फंड देने वाले पॉलिटिकल लोगों को, बिजनेसमैन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर आपको लगता है ऐसा तो छोटा सा एग्जांपल देख लीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के चुनाव में क्लियर फंडिंग होती है, कौन सी कंपनी कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को फंड कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को एकदम रेवोल्यूशनलाइज करने वाले इलॉन मस्क को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन EV रेवोल्यूशन के ऊपर हुई संगोष्ठी में व्हाइट हाउस में नहीं बुलाता और धन्यवाद देता है फोर्ड और दूसरी उन कंपनियों को जो EV को अच्छा बना रही है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये भारत में नहीं अमेरिका में भी होता है। गाली दीजिए, आपका हक है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी जानने के बाद। जय हिंद।